ओके माय डियर, आप लोगों के सामने आज का टॉपिक आप लोगों का बेसिक कीबोर्ड टेक्निक, कीबोर्ड लैपटॉप में की आपका डेस्कटॉप में जो भी कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम काम करते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं, तो कीबोर्ड के अंदर कीज के बारे में हमें बखूबी पता होना चाहिए। पहले आपका ये एस्केप की किस लिए यूज़ की जाती है, कैंसिल के लिए। कोई भी कमांड आपको कैंसिल करनी है तो उसके लिए एस्केप की प्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ माउस पॉइंटर यहाँ नीचे ला कर विंडो की ये प्रेस कर लिया, अभी खुल गया। अब ये हटाना है तो क्या आप एस्केप की प्रेस कर देंगे तो आपका ये हट जाएगा, मतलब कैंसिल करना। F1, F2, F3, F4, F12 ये क्या कहलाती है, आपकी फंक्शन कीज कहलाती हैं, जो कि कमांड के रूप में आपकी यूज़ की जाती हैं। फंक्शन कीज शॉर्ट कमांड के रूप में, फंक्शन कीज टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ की जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 0, 9, 9, 0 तक ये वाली कीज़ आप, ये सारी कीज़ क्या कहलाती हैं, न्यूमेरिक कीज़। ABCD ये अल्फाबेटिक कीज़ कहलाती हैं सारी आपकी। टैब की यूज़ होती है आपकी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव करने के लिए, जैसे कि आगे बताया जाएगा आपको। कैप्स लॉक आपका, आप देख रहे हैं कि जस्ट आपका क्या है, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। जब आप कैप्स लॉक क्लिक इसे प्रेस करेंगे, ठीक है, ये आपने क्या किया ऑफ, तो ये क्या हो जाएंगे आपके स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपका सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। शिफ्ट की शॉर्ट कमांड के रूप में यूज की जाती है। प्लस में शिफ्ट की यूज़ की जाती है आपकी, ये अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, कैपिटल लेटर्स हैं, शिफ्ट की के साथ कुछ भी प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में आएगा। अगर आपके ये स्मॉल लेटर्स में हैं और फिर शिफ्ट की प्रेस करके आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में आएगी, वो अपोजिट हो जाएगी आपकी। कंट्रोल की कमांड के रूप में यूज़ की जाती है आपकी, शॉर्ट कमांड्स हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी। विंडो की जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो की, ये कीबोर्ड से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। कीबोर्ड से मैंने जैसे कि अभी ये प्रेस किया, ये आपका यहाँ ये चीज़। देन ऑल्ट की कमांड के रूप में यूज़ होगी आपकी, शॉर्ट कमांड, ये ऑल्ट है, ये वाला ऑल्ट है, दोनों सेम है। ये कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, दोनों सेम है, विंडोज सेम है, ये क्या है, ये है राइट क्लिक ऑफ द माउस। माउस से राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस कमांड्स आ जाते हैं लाइक दिस, ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पे देखिए ऐसे यार, ठीक है ना। तो अगर आपका माउस वर्किंग में नहीं है तो आप ये की प्रेस करते हैं तो आपका क्लिकिंग आ जाएगी, ये आपके माउस का राइट क्लिक ओपन हो जाएगा। अभी इसके अंदर कीबोर्ड में कन्वर्ट हो गया आपका क्लिक। राइट क्लिक ऑफ द माउस। कंट्रोल की शिफ्ट की सेम है,
एंटर का मतलब ओके होता है आपका। ये क्या है बैकस्पेस, बैकस्पेस इसका क्या रोल है? बैकस्पेस का रोल है आपने नोटपैड ओपन कर लिया, ये आपका यहाँ पे हम नोटपैड लिखते हैं, नोटपैड ये नोटपैड ओपन कर लिया ठीक है। देन वन मिनट इसमें जाके आपने साइज बड़ा कर लिया जिससे कि आप लोगों को इजीली दिखाई दे सके, ये बड़ा कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें लिख दिया दिस इज माय क्लास। अब आप ये देख रहे हैं जो इंसर्शन पॉइंट है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट ऑफ विंडोज के अंदर लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, वहाँ पर इंसर्शन पॉइंट के बारे में बताया था। इट इज़ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर वर्क एरिया, जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आप ये यहाँ पर हमने यहाँ क्लिक किया, इंसर्शन पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया। देन इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये इज का इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं बैकस्पेस, जो कि आपका ये वाला बैकस्पेस है। ओके, अगर बैकस्पेस बैकस्पेस यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा कि आपका इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का डिलीट होगा, और अगर मैं यहाँ से ये डिलीट की है इसको प्रेस करूँगा तो राइट हैंड साइड का डिलीट होगा, बैकस्पेस डिलीट। होम की इस पे क्लिक करते साथ इंसर्शन पॉइंट आपका अगर लास्ट में है तो होम स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में है और लास्ट मिलाना है तो एंड आ जाएगा। देन इसके बाद ये आपका कर्सर कंट्रोल की, वन मिनट मैं जरा कुछ और लिख देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने दिस कर्सर कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल की प्रेस ऊपर करेंगे आप ऊपर जाएगा, डाउन से नीचे, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, तो ये आपका इस इंसर्शन पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। और ये क्या है आपका न्यूमेरिक कीपैड, नंबर्स क्लिक 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 नंबर्स आते चले गए आपके, बैक 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 डिलीट होते चला गया। नम लॉक हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो नंबर नहीं रहेंगे आप, ये जस्ट आपकी ये कर्सर कंट्रोल की है इस टाइप से अप डाउन लेफ्ट राइट ये यूज होंगे। और नम लॉक ऑन कर देंगे तो ये नंबर बन जाएंगे, आप तो इसको यूज कर सकते हैं, ये आपके नंबर, ये स्लैश जो कि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें डिवाइड का निशान, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान, ये आपका सब्ट्रैक्शन का, और ये ऐड का, जमा घटा गुना भाग एंटर। तो माय डियर ये आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में कीज क्या की, किस की का क्या यूज है। ओके, देन अब आपकी नेक्स्ट जो है कि वो टेक्निक में ही कुछ कमांड्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं आपकी हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका यूज कैसे करेंगे हम। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ हमारी कमांड आती है दिस वन, ये विंडो की क्लिक, देन इसमें आप जो सा भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं प्रोग्राम ओपन कर लिया हमने।
जैसे कि प्रोग्राम ओपन किया हमने आपका PAINT पेंट, MS पेंट, पेंट ओपन किया, पेंट ओपन हो गया, ये आपकी विंडो। इस विंडो को अगर आपने क्लोज करना है कीबोर्ड से तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस ऑल्ट दबाए रखेंगे, F4, ऑल्ट F4 करोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, वर्ड, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड ओपन किया, ये आपका वर्ड ओपन हो गया। इसमें विंडो, विंडो क्या है आपकी, दो प्रकार की विंडो होती हैं, एक डॉक्यूमेंट विंडो जिसमें आप काम करते हैं, जो कि आपने लिखा दिस इज माय क्लास, ये आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है। और अगर हम डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करने की शॉर्ट कमांड होती है हमारी कंट्रोल प्लस F4। जब हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो ये पूछा डू वांट टू सेव, हम कहते हैं डोंट सेव, अभी सेव नहीं करना हमने। देन अब आप देखेंगे ये क्या रह गई आपकी एप्लीकेशन विंडो, मतलब एप्लीकेशन विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट विंडो होती है। जो टाइटल बार और मेन्यू बार एप्लीकेशन विंडो का होता है, जो कि हमें डॉक्यूमेंट विंडो में काम करने में हेल्प करती है। कंट्रोल एन करेंगे, एन फॉर न्यू, न्यू फाइल, ये आपकी ओपन हो गई, न्यू फाइल, न्यू पेज आ गया आपका, ये आपका डॉक्यूमेंट विंडो। तो माय डियर, डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 और एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करने के लिए ऑल्ट F4 यूज़ किया जाता है। मैं दोबारा वर्ड ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने, देन इसके बाद आपका ये क्या है, ये मेन्यूज है, मेन्यू बार, मेन्यू बार को एक्टिव करने की शॉर्ट कमांड क्या होती है, ओल्ड, ये जो आपका ओल्ड है, ये ओल्ड दबाते हो आप तो आपका ओल्ड से मेन्यू बार एक्टिव हो गया। ओल्ड दोबारा अगेन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, आप देखते हैं फाइल में F, होम में H, इंसर्ट में N, डिज़ाइन में G, ये आपका शो ऑफ हो रहा है। एस्केप, कैंसिल, हट गया। ओल्ड के अलावा एक कमांड और है आपकी मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, वो है F10। जब आप F10 प्रेस करते हैं तो मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है। अब आपको जिस भी मेन्यू में जाना है, जैसे कि सपोज करो आपको जाना है मेनू पर, तो आप M प्रेस करेंगे तो मेलिंग में आ जाएगी। आपको जो स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है तो एस प्रेस करोगे तो स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन खुल जाएगा आपका। एस्केप का मतलब कैंसिल, कैंसिल, ये चीज़ आपकी चलती रहेगी। तो कंट्रोल F4, दूसरी कमांड ऑल्ट F4, तीसरी कमांड ऑल्ट या F10, एस्केप, कैंसिल, ये कमांड्स। एंड एक कमांड बहुत अच्छी कमांड है F1, हेल्प के लिए। जिस भी प्रोग्राम को आपने ओपन कर रखा है, अगर उस प्रोग्राम के आप हेल्प चाहते हैं तो F1 की प्रेस कीजिए तो आपको हेल्प, जैसे कि वर्ड 2016 हेल्प या टॉप हेल्प टॉपिक्स, ये आपके इंसर्ट वर्ड आर्ट, हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट क्लिक करेंगे तो आपका, आपके सामने वर्ड आर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसे कहते हैं पढ़ो एंड करो, आप कर सकते हैं। क्लोज से क्लोज कर दिया F1। देन आपकी, मैंने एक वर्ड ओपन किया हुआ है, मैं एक अब एक्सेल ओपन कर देता हूँ, ये एक्सेल ओपन हो गया। एक मैं पेंट ओपन कर देता हूँ, पेंट हो गया, वर्ड, एक्सेल, पेंट, काफ़ी सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, नोटपैड, 1, 2, 3, 4 एट प्रेजेंट एक्टिव जो है हमारे सामने, हमारे सामने पेंट है।
मैं क्या चाहता हूँ, कीबोर्ड के थ्रू मैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मूव करूँ, उसके लिए ऑल्ट प्लस टैब आपके सामने इंक्लूड हो जाएंगे सर। जो सी चाहिए आपको, ऑल्ट प्रेस कर रखा है मैंने, अभी ऑल्ट को छोड़ा नहीं है मैंने, बट टैब मैं टैब छोड़ रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब छोड़ रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ। अब मुझे वर्ड पे जाना है। अब एट प्रेजेंट जो आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन है वो वर्ड पे है। अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट छोड़ दूँगा तो मेरा वो वाला प्रोग्राम खुल जाएगा। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मूव करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब, जो कि ओपन है आपके प्रोग्राम, वो यूज़ किया जाता है। एंड देन इसके बाद आपका एस्केप कैंसिल। ओके माय डियर, नेक्स्ट आपका ऑल्ट प्लस स्पेस बार कंट्रोल मेनू बॉक्स ओपन करने के, जैसे कि लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में पार्ट ऑफ विंडोज वाले में भी बताया गया है कि